हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आपका मोस्ट वेलकम है अनअकैडमी लेक्स क्रैक बैंक एग्जाम। माय नेम इज अभिजीत मिश्रा और अभी हम बात करने वाले हैं आपसे एमसीक्यूज ऑन अपॉइंटमेंट पर। तो बने रहे मेरे साथ, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे क्वेश्चंस आएंगे, आप मेरे क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं। तो गाइस, हमारा टॉपिक आज का क्या है? टॉपिक हमारा है एमसीक्यूज ऑन अपॉइंटमेंट। यहाँ पे कविता, भावना, ऋचा, रूप, अरविंद, सोनम, आकाश, सबका मोस्ट वेलकम है, सबका मोस्ट वेलकम है गाइज। और आप चाहें तो आप अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं अपने एमसीक्यूज की और क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, आपको मेरे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मैं साइड हट जा रहा हूँ, देखिए क्वेश्चन है, टू विच कंट्री पवन कपूर वॉज अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ इंडिया। पवन कपूर जो है ये किस देश में इंडिया के एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं? ओमान, बहरीन, कतर, यूएई एंड नन ऑफ दीज। आंसर आने शुरू भी हो गए हैं, सोनम, अरविंद, आकाश और भाग्यश्री, इनके आंसर आ चुके हैं एंड द आंसर इज यूनाइटेड अरब एमिरेट। और इन्होंने नवदीप सिंह सूरी को रिप्लेस किया है, नीचे आप यहां पर देख पा रहे होंगे, नवदीप सिंह सूरी को इन्होंने रिप्लेस किया है, ठीक है? तो ये भी देख लीजिएगा किसको रिप्लेस किया है, वो हमने आपको अलग से यहां पर दे दिया है। क्वेश्चन नंबर टू, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। चेयरमैन ऑफ लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन बने, ये आपसे पूछा गया है। प्रेरणा हेलो, सोनम बोल रही हैं आदित्य, आकाश बोल रहे हैं आदित्य, अरविंद बोल रहे हैं आदित्य मिश्रा, क्या ये सही आंसर है? तो आदित्य मिश्रा बिल्कुल सही आंसर है, इनका अपॉइंटमेंट 5 साल के लिए हुआ है, 5 ईयर के लिए हुआ है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर टू था। आइए क्वेश्चन नंबर थ्री की बात करते हैं, आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन है, हु वॉज अपॉइंटेड एज द MD ऑफ चोला मंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। चोला मंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के MD कौन अपॉइंट हुए, ये आपसे पूछा गया। और आंसर की बात कर लेते हैं, वी है 5 ऑप्शंस। यहां पे सोनम चौधरी बोल रही हैं अरुण, अरुण ठीक है, अरुण अलगापन ठीक है, और अरविंद बोल रहे हैं अरुण, ऋचा बोल रही है रोहन, तनुजा बोल रही है सी मतलब की अरुण, ठीक है, एंड द आंसर इज अरुण अलागप्पन, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। पूजा गुड आफ्टरनून, कैसी हैं आप? नेक्स्ट क्वेश्चन, टू विच कंट्री अंजनी कुमार वॉज अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया ऑन November 7, 2019। मतलब कि अंजनी कुमार किस देश के नेक्स्ट एम्बेसडर बने हैं इंडिया के, ये आपसे पूछा गया है। वी हैव 5 ऑप्शंस। नीलू सिंह जी गुड आफ्टरनून, कैसी हैं आप? सोनम बोल रही है माली, शालिनी कश्यप बोल रही है माली, ऋचा मिश्रा बोल रही है माली, भाग्यश्री बोल रही है माली, आकाश बोल रहे हैं माली एंड द आंसर इज रिपब्लिक ऑफ माली। तो अंजनी कुमार ने प्रदीप कुमार गुप्ता को रिप्लेस किया है, नीचे देखिए आपको कुछ स्टेटमेंट मिल भी रहे होंगे, तो इन्होंने प्रदीप कुमार गुप्ता को रिप्लेस किया है। प्रदीप कुमार गुप्ता वॉज द एम्बेसडर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ माली, लेकिन अब अंजनी कुमार रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज अपॉइंटेड एज द इंडियन हेड कोच ऑफ द वुमेन अंडर 17 फुटबॉल टीम बाई फीफा। तो कि तो आपको आपको आपसे पूछा गया है कि अंडर 17 वुमेन अंडर 17 फुटबॉल टीम का इंडियन टीम ने किसे अपना कोच अपॉइंट किया, ये आपसे पूछा गया। मैं भी अच्छा हूं और यहां पर आप लोग थॉमस आंसर दे रहे हो, थॉमस क्या ये सही आंसर होगा? थॉमस डेनरबी, कभी कभी इनकी कंट्री पूछ ली जाती है तो कंट्री की बात कर लेंगे। थॉमस डेनरबी बिल्कुल सही आंसर है, ये स्वीडन से बिलोंग करते हैं और नीचे लिखा भी हुआ है, द फीफा अंडर 17 वुमेन्स फुटबॉल वर्ल्ड कप 2020 विल बी होस्टेड बाय इंडिया। तो थॉमस डेनरबी स्वीडन से बिलोंग करते हैं, ये भी याद कर लीजिएगा। हाँ, फ्रॉम स्वीडन, जी हाँ सोनम। नेक्स्ट पॉइंट, हु वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड MD ऑफ इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन मीन्स ITDC, कौन बना है चेयरमैन, ये आपसे पूछा गया। चलिए आंसर की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने आ चुका है और हमारे पास 5 ऑप्शंस हैं। अरविंद बोल रहे हैं GVKR, मतलब गंजी कमला वर्धन राव, ठीक है, और देख लेते हैं यहाँ पे राव और हाँ आकाश भी वही बोल रहे हैं, सुष्मिता वही बोल रही है, प्रशांत शुक्ला वही बोल रहे हैं, ठीक है, एंड द आंसर इज गंजी कमला वर्धन राव, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। इन्होंने रवनीत कौर को रिप्लेस किया है, ही रिप्लेस रवनीत कौर फ्रॉम द पोस्ट, ही रिप्लेस रवनीत कौर फ्रॉम द पोस्ट, तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ द ग्लोबल फुटबॉल डेवलपमेंट बाई फीफा। तो फीफा ने ग्लोबल फुटबॉल डेवलपमेंट के लिए किसको अपॉइंट किया, ये आपसे पूछा गया है और ये
सॉरी सोनम बोल रही है वेंगर, आकाश बोल रहे हैं वही सेम वेंगर, क्या इसका आंसर होगा? एंड द आंसर इज अर्सेन वेंगर, ये फ्रांस से बिलोंग करते हैं, देख लीजिएगा, तो ये फ्रांस से बिलोंग करते हैं, ये भी हमने आपको अलग से बता दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, तो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया में कौन एक मेंबर के तौर पर अपॉइंट हुआ है? वी हैव फाइव ऑप्शन, सोनम बोल रही है ए के गुप्ता, कविता बोल रही है संगीता वर्मा, सुरेश बोल रहे हैं गुप्ता, योगेंद्र शर्मा बोल रहे हैं अशोक कुमार गुप्ता, एंड द आंसर इज संगीता धिंगरा, ऑप्शन नंबर वन। तो संगीता धिंगरा है ये ये मतलब लॉ डिपार्टमेंट से है, तो इनको एज अ मेंबर अपॉइंट किया गया है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। भाग्यश्री बिल्कुल सही आंसर आपने दिया है, बाकी सब एक गुप्ता बोल रहे हैं, निधि गुर्जर भी बोल रही है धिंगरा एंड पूजा भी बोल रही है धिंगरा। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ हाई लेवल कमिटी फॉर सजेस्टिंग इनिशिएटिव फॉर अट्रैक्टिंग मोर इन्वेस्टमेंट इन द पेट्रोलियम केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन, जिस पर्सन का नाम आप लेंगे वो आंध्र प्रदेश के ब्यूरोक्रेट है, उनका नाम बताइए। सुष्मिता आपने भी सही आंसर दिया है, अच्छा मैं देख नहीं पाया, कोई बात नहीं। आकाश बोल रहे हैं रजत, मनीषा बोल रही है मनसुख मंडेविया, अच्छा सोनम बोल रही है रजत, रिजा मिश्रा बोल रही है रजत, एंड द आंसर इज रजत भार्गवा, ये देख लीजिए ये आंध्र प्रदेश ब्यूरोक्रेट है रजत भार्गवा, इनका नाम देख लीजिएगा, हाँ ऑप्शन नंबर थ्री इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ केरला बैंक, तो 13 कोऑपरेटिव बैंकों को मर्ज करके बनाया गया था केरला बैंक, आपको पता ही है, और किसको बनाया गया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ये आपसे पूछा गया। तनुजा बोल रही है, नहीं ये तो हो गया, ठीक है। प्रशांत शुक्ला बोल रहे हैं पीएस राजन, मयंक जी कैसे हैं आप, एंड द आंसर इज पीएस राजन। पीएस राजन के बारे में जान लीजिए, ये जनरल मैनेजर ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं पीएस राजन, इनको बनाया गया है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ केरला बैंक, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, हु वॉज अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल कोऑपरेशन एंड सिल्क रोड डेवलपमेंट इन यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, ये केरला से बिलोंग करते हैं, जी हां बिल्कुल सोनम, बिल्कुल सही आंसर आपने दिया, एंड द आंसर इज सुमन बिल्ला, ऑप्शन नंबर टू इज राइट आंसर, सुमन बिल्ला हमारा सही आंसर होने वाला है, जी हां जी हां जी हां। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ टाटा कम्युनिकेशन फॉर 5-year टर्म ऑन 26 नवंबर 2019, तो MD एंड CEO ऑफ टाटा कम्युनिकेशन कौन बना ये आपसे पूछा गया, भैया फाइव ऑप्शन, और यहां पे सोनम बोल रही है अमूर अनवेशा, वही सेम आंसर दे रही हैं। आइए आंसर की बात कर लेते हैं, आंसर इज अमूर एस लक्ष्मी नारायण, अमूर एस लक्ष्मी नारायण, और इन्होंने विनोद कुमार को रिप्लेस किया है, इन्होंने विनोद कुमार को रिप्लेस किया है, आपको नीचे यहां पर दिखाई दे भी रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, Name the former Deputy Governor of Reserve Bank of India who has been appointed as the first chairman of the steering committee of the Code of Responsible Lending in Microcredit. ये भी बढ़ाया गया है। नहीं अरविंद आपका नेट स्लो नहीं चल रहा होगा। सोनम बोल रही है HR खान, अन्वेशा बोल रही है HR खान, तनुजा बोल रही है HR खान, एंड द HR खान ऑप्शन नंबर फोर इज एब्सोल्युटली राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who was appointed as the 24th Controller General of Account on 1st December 2019? 24th Controller General of Account. Sampreet Roy ji, hello, कैसे हैं आप? और प्रशांत शुक्ला बोल रहे हैं सोमा रॉय आप लोग बोल रहे हैं, एंड द आंसर इज सोमा रॉय, और सोमा रॉय जो है ये सातवीं वुमेन बनी है इस पोस्ट पर, सातवीं वुमेन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, Which armed industry company has appointed Mr. Hari Mohan as chairman on December 1? Hari Mohan ji, कौन से आम industry company के नए chairman बने हैं ये आपसे पूछा गया है, और आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, ये Ordnance Factory Board के नए chairman बने हैं, इन्होंने श्री सौरभ कुमार को replace किया है, इन्होंने Mr. सौरभ कुमार को replace किया है। Next point, Who was appointed as the 10th president of Asian Development Bank? 10वें president याद रखिएगा।
अस्कावा, ठीक है आंसर आ जाएंगे मुझे मालूम था, एंड द आंसर इज मसा तत्सुगु अस्कावा ऑप्शन नंबर 3। और ये 10वें प्रेसिडेंट बने हैं, नाम ये मत भूलिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, टू विच कंट्री उपेंद्र सिंह रावत वॉज अपॉइंटेड एज द इंडियन अम्बेसडर ऑन दिसंबर 3, 2019। उपेंद्र सिंह रावत की बात करें, ये किस देश में भारत के राजदूत बनाए गए हैं, वी हैव 5 ऑप्शन। सोनम बोल रही है मनीला फिलीपींस, अच्छा वो अच्छा ओके, क्यूबा क्यूबा, अन्वेषा बोल रही है कोस्टारिका, सुष्मिता बोल रही है क्यूबा, क्यूबा एंड कोस्टारिका में हमें लड़ाई देखने को मिल रही है, एंड द आंसर इज रिपब्लिक ऑफ कोस्टारिका ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। ठीक है ये देख लीजिए पहला हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज अपॉइंटेड राजेंद्र चिन्ना वीरप्पन एज द एम डी एंड सीईओ ऑन 4 दिसंबर 2019। नायक जी बोल रहे हैं कैथोलिक, और अधिकारी साहब बोल रहे हैं कैथोलिक, सौरभ दास बोल रहे हैं और कैथोलिक, एंड द आंसर इज कैथोलिक सीरियन बैंक ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट, हु वाज अपॉइंटेड एज प्लॉगिंग एम्बेसडर ऑफ इंडिया ऑन द 50th फिट इंडिया प्लॉगिंग रन इन दिल्ली। प्लॉगिंग एम्बेसडर का मतलब जो दौड़ते हुए टहलते हुए कूड़े कचरे उठाते हैं, जी हाँ आंसर इज रिपू दमन बेवली ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। सही है सही है सही। नेक्स्ट पॉइंट, हु वाज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ एनएससी ऑन दिसंबर 6, 2019। मतलब कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए हैं, बिल्कुल सही आंसर आप लोग दे रहे हैं, आंसर इज गिरीश चंद्र चतुर्वेदी ऑप्शन नंबर 1, और इन्होंने अशोक चावला को रिप्लेस किया है, अशोक चावला नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट, टू विच कंट्री सी सुगंध राजाराम वॉज अपॉइंटेड एज द हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया ऑन 6 दिसंबर 2019। सी सुगंध राजाराम किस देश में भारत के हाई कमिश्नर बने हैं, ये आपसे पूछा गया है, वी है 5 ऑप्शन। यहां पर मैक्सिम लोग घाना आंसर दे रहे हैं, तो क्या ये सही आंसर होगा, रिपब्लिक ऑफ घाना ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज अपॉइंटेड एज एडिशनल डायरेक्टर ऑफ धनलक्ष्मी बैंक ऑन दिसंबर 9। सोनम पंडित जी पहले पूजा कर लेते हैं, लेकिन हमारा मंदिर बन रहा है तो शायद इस समय आप लोग को ट्रैक्टर की आवाज आ रही होगी, ट्रैक्टर नहीं वो जो नहीं एक बड़ी सी गाड़ी होती है जो कि कंक्रीट बनाती है, समझ रहे हैं ना। आंसर इज वी विश्वनाथन ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। निकिता जी गुड आफ्टरनून, कैसी हैं आप। नेक्स्ट पॉइंट, हु वाज अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर, ये तो आप लोग बता देंगे, पूमा के ब्रांड एम्बेसडर। एंड द आंसर इज सुनील छेत्री ऑप्शन नंबर 2, सुनील छेत्री इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who was appointed as the brand ambassador for food and beverage company PepsiCo? तो ये भी आप लोग बता देंगे मुझे मालूम है। और इसका आंसर सलमान खान ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। बिल्कुल सही आंसर दिया आप लोगों ने। Name the first ever brand ambassador of La Liga from India? ये भी आप लोग बता देंगे, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। अरविंद बिल्कुल सही आंसर, और आंसर इज रोहित शर्मा ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। रोहित शर्मा हमारा सही आंसर है। हु इज सेट टू बी अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के चेयरमैन। नहीं मयंक जी हमारे मंदिरों में अलग से पंडित जी रहते हैं, हम लोग हैं लेकिन हाँ आज तो दबा के लंच किया, हाउसफुल गले तक पूरा। आंसर इज श्रीकांत माधव वैद्य, श्रीकांत माधव वैद्य, और ये संजीव सिंह को रिप्लेस करेंगे। तुम लोग संजीव सिंह आंसर क्यों दे रहे हो यार। संजीव सिंह को रिप्लेस करेंगे भैया। ठीक नेक्स्ट पॉइंट, विच फर्म हैज अपॉइंटेड श्रीधर पात्रा एज द चेयरमैन कम एमडी। श्रीधर पात्रा चेयरमैन कम एमडी बनेंगे ये।
अन्वेषा बोल रही है नालको, जिद्दी हूं मैं बोल रहे हैं नालको, क्या इसका आंसर होगा? एंड द नालको इज राइट आंसर, वेरी गुड, फैंटास्टिक. Who was appointed as one of the board member of the US India Business Council on 17 December? ये इसमें से कौन एक board member बना है of the US India Business Council? ये आपसे पूछा गया है. We have five options. अन्वेषा बोल रही है चित्रा, चित्रा रामकृष्णा. अच्छा, सौरभ दास बोल रहे हैं मल्लिका, अधिकारी साहब बोल रहे हैं चित्रा, राठौर साहब बोल रहे हैं मल्लिका, एंड द आंसर इज मल्लिका श्रीनिवासन. ऑप्शन नंबर थ्री इज राइट आंसर, वेरी गुड, बढ़िया. नेक्स्ट पॉइंट, हु वॉज अपॉइंटेड एज द तेलंगाना फर्स्ट लोकायुक्त ऑन दिसंबर 20, 2019? तेलंगाना के पहले लोकायुक्त कौन बन गए हैं? वी है फाइव ऑप्शन अगेन. बैंकर जी बोल रहे हैं वेशा का ही नाम क्यों? क्योंकि पहला आंसर आ रहा है भाई, आप भी पहला आंसर दीजिए, सही दीजिए. एंड द आंसर इज सी वी रामुलु, ऑप्शन नंबर टू. तो फॉर्मर लॉ सेक्रेटरी वी निरंजन राव हैज बीन अपॉइंटेड एज द उप लोकायुक्त, यानी कि सी वी रामुलु लोकायुक्त बने हैं और वी निरंजन राव जो है ये क्या बने हैं? ये उप लोकायुक्त बने हैं. तो लोकायुक्त और उप लोकायुक्त दोनों का भी आंसर हमने आपको दे दिया है, ठीक है. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, Which state has appointed G. Chandraya as its chairman of the State Human Rights Commission? पहला क्वेश्चन, अधिकारी साहब बोल रहे हैं कर्नाटका, जिद्दी हूं मैं बोल रहे हैं आंध्र प्रदेश, बैंकर यादव बोल रहे हैं आंध्रा, क्या इसका आंसर अधिक लेते हैं? एंड द आंसर इज तेलंगाना, ऑप्शन नंबर थ्री. और ये निसार अहमद काकरू को रिप्लेस करेंगे कि तेलंगाना, ऑप्शन नंबर थ्री इज राइट आंसर. नेक्स्ट पॉइंट, नेम द इंडियन अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट हु वाज अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ द नेशनल साइंस फाउंडेशन ऑफ यूएस ऑफ मतलब यूएस ऑफ अमेरिका, ठीक है. आंसर दीजिएगा, वी है फाइव ऑप्शन अगेन. सोनम चौधरी बोल रही है सेथु रमन पंचानंथन, ठीक है, ठीक है. एंड द आंसर इज सेतुरमन पंचानंथन, पंचानंथन ऑप्शन नंबर फोर इज राइट आंसर, ठीक है ठीक है ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, नीलू सिंह जी एनर्जी ठीक है, मेरी भी एनर्जी खत्म हो गई ना, खाना खा के बड़ी नींद आती है. विच ऑर्गेनाइजेशन हैज अपॉइंटेड डॉक्टर संगीता रेड्डी एज इट्स प्रेसिडेंट ऑफ द ईयर 2019-20? सोनम बोल रही है फिक्की, राठौर आनंद बोल रहे हैं नास्कॉम, क्या इसका आंसर होगा? And the answer is Vicky, option number 4 is right answer. Next point, who was appointed as the first woman chief technology officer at the US government powerful federal communication commission FCC? Aaj kya khaye hain? Aaj behtareen khaye hain hum paneer biryani with raita, maza aa gaya, wah bhai wah bhai wah, kya khana tha aaj. एंड द आंसर इज डॉक्टर मोनिशा घोष, ऑप्शन नंबर टू. मोनिशा घोष ऑप्शन नंबर टू इज राइट आंसर, वेरी गुड, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द एसोचैम? एग बिरयानी यार खाते नहीं ना अरविंद हम लोग, हाँ मतलब बढ़िया आप खाएं, अच्छी बात है, बढ़िया बढ़िया. और आंसर की बात करें, आंसर इज निरंजन हीरानंदानी, ऑप्शन नंबर थ्री इज राइट आंसर, वेरी गुड, बढ़िया. विच स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज अपॉइंटेड पीआर रवि मोहन एज द चेयरमैन ऑन दिसंबर 24? किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने पीआर रवि को अपना चेयरमैन अपॉइंट किया है? अबे नॉनवेज कहां, पनीर बिरयानी नॉनवेज होता है क्या? अच्छा, मेरे ख्याल से फिर शुक्ला जी आपके लिए मीट वो होता है, मतलब मेरे ख्याल से वेज होता है. और आंसर इस ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक, और ये आर प्रभा को रिप्लेस करेंगे. बहुत बढ़िया महक आ रही थी और बढ़िया पनीर वनीर पड़ा हुआ था और खूब अच्छे से मसाले पका हुआ, मजा आ गया भाई उसके साथ. एक बाइट खाओ आप बिरयानी और एक बाइट खाओ आप मतलब एक चम्मच आप पियो वो, आए हाय हाय, अरे मैं बोल नहीं पा रहा, मैं कैसे बोलूँ ये सब चीज़, फिर से भूख लग गई मुझे.
Who was appointed as the 33rd Foreign Secretary of India? Taviswa. अक्षत पांडे बोल रहे हैं क्या पढ़ाते हैं, एग्जाम में कुछ नहीं आता है, लाइसेंस में कुछ नहीं आया. अक्षत पांडे आप क्यों मतलब मैं देख रहा हूं कि गलती करने वाला कैसे आ जाता है, गलती तुम कर दी एक बार आके दोबारा क्यों आ रहे हो. आंसर इज हर्षवर्धन श्रृंगला ऑप्शन नंबर फोर. ऑप्शन नंबर फोर इज राइट आंसर. नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन. अब्दुलजीज दजिरट वॉज अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री ऑन दिसंबर 28. What is the answer? What is the answer? And the answer is Algeria, option number one. नहीं, Tunisia नहीं है तनुजा बेटा. Next point. Who was appointed as India's representative and governor on the board of Economic Research Institute of for Asia and East Asia for a period of 3 years on December 31? What is the answer? What is the answer? And the answer is Rohan Shah. Option number 4 is right answer. Rohan Shah, बहुत सही answer है. और मुझे फिर से भूख लग गई यार. अब मैं सोच रहा हूँ कि हमारे यहाँ मिलता है एक flavored milk मिलता है, flavored milk मिलता है, chocolatey flavored milk पिया जाए बढ़िया पिस्ता काजू के शेक के साथ, यार क्या मजा आएगा भाई. Name the first ever woman who was appointed as the 13th chairperson and MD of Shipping Corporation of India. And the answer is Harjeet Kaur Joshi. Option number 3 is right answer. Very good. Next question. Who was reappointed as the Deputy Election Commissioner of India after his tenure was extended by one more year till December 31? Banker Yadav. अबे तुम यादव की ये बात कर रहे हो कि मिल्क कौन पीता है? मैं सामने ही बैठा हूं, मैं सामने आ जा रहा हूं तुम लोगों के, रुक जाओ. व्हाट इज द आंसर? चलिए एंड द आंसर इज उमेश सिन्हा. ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर. नेक्स्ट पॉइंट, विच बैंक हैज अपॉइंटेड एस सुंदर एज इंटरिम एमडी एंड सीईओ. कौन से बैंक ने एस सुंदर को अपॉइंट किया है अपना इंटरिम एमडी एंड सीईओ? What is the answer? And the answer is Lakshmi Vilas Bank. Option number 4 is right answer. Aha, bilkul bilkul laenge, session laenge. Next point. Who was appointed as the first chairman of NMC, means National Medical Commission, on January 2? जिद्दी हूं मैं भी जिद्दी हूं. जिद है तो जिद है. और आंसर की बात कर ले, यहां पर आंसर आना शुरू हो चुके हैं. एंड द आंसर इज सुरेश चंद्र शर्मा. ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर. नेक्स्ट पॉइंट, हु वाज अपॉइंटेड एज द 11th एंड फर्स्ट फीमेल चांसलर ऑफ यूके क्वीन यूनिवर्सिटी. जग्गू भाई आपका कमेंट दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है. आंसर की बात कर ले और हिलेरी क्लिंटन. तनुजा बिल्कुल सही, सोना बिल्कुल सही. हिलेरी क्लिंटन ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर. हु वाज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया ऑन जनवरी 6 2020? सोनम बोल रही है, हरीश. रूप बोल रही है, हरीश. पवन पाटिल बोल रहे हैं, अच्छा ये पुराना आंसर है. एंड द आंसर इज ए सेक्थविल. ऑप्शन नंबर 3. ये तो मैंने कराया, ये तो अभी का ही कुछ दिन पहले का ही न्यूज है यार. नेक्स्ट पॉइंट, विच फर्म हैज अपॉइंटेड एम नागराज एज चेयरमैन एंड एमडी. तो ये भी पढ़ाया गया है आपको वैसे. जी हाँ, हुडको. हुडको ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर. हुडको हमारा सही आंसर है. नेक्स्ट पॉइंट, लेफ्टिनेंट कर्नल युवराज मलिक अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ नेशनल बुक ट्रस्ट, ही सक्सीड. तो आपको ये तो पता है ना कि युवराज मलिक को नेशनल बुक ट्रस्ट का डायरेक्टर बनाया गया है.
ये किसको रिप्लेस करेंगे ये आपसे पूछ लिया गया, मतलब क्वेश्चन घुमाया यहां पे। एंड द आंसर इज रीता चौधरी, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, हु वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू रूलर ऑफ ओमान आफ्टर द डेमीज ऑफ सुल्तान कबूस बिन सईद अल सईद ऑन जनवरी 11। ये सब आपको पढ़ाया गया है पहले भी। हाँ आकाश, रीता हो गया बेटा, आगे बताओ। अरविंद बोल रहे हैं हैथम बिन तारिक अल सईद, क्या ये सही आंसर होगा? और ये बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट, टू विच आर्म्ड फोर्स आनंद प्रकाश महेश्वरी वॉज अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑन जनवरी 13, 2020। आंसर दीजिएगा। अरविंद बोल रहे हैं सीआरपीएफ, राठौर साहब बोल रहे हैं सीआरपीएफ, धीरेन्द्र कुमार बोल रहे हैं सीआरपीएफ, एंड द आंसर इज सीआरपीएफ, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। हु वॉज अपॉइंटेड एज द डिप्टी गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये भी आपको पता ही है, पढ़ाया गया ये भी आपको। बैंकर यादव, निकिता शर्मा, शालिनी कश्यप, मयंक, अर्चना रूप, वेरी गुड बच्चे, बहुत बढ़िया। अन्वेषा बोल रही है माइकल पात्रा, उसके पहले अरविंद बोल चुके हैं फिलहाल, ठीक है, एंड द माइकल पात्रा, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। नेम द सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया हु वॉज रीअपॉइंटेड फॉर अनदर पीरियड ऑफ 1 ईयर। सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने, ये आपसे पूछा गया। अरविंद बोल रहे हैं गिरीश कुमार, क्या ये सही आंसर होगा? राठौर साहब भी वही बोल रहे हैं, अधिकारी साहब भी यही बोल रहे हैं, सन्याल भी यही बोल रहे हैं, एंड द आंसर इज गिरीश कुमार, ऑप्शन नंबर 2। हु वॉज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ 11 मेंबर कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड टू ड्राफ्ट द नेशनल वाटर पॉलिसी, ये भी आप लोग बता देंगे। कौन होते हैं जी? जग्गू भाई बोल रहे हैं सुब्बा राव, ऑप्शन में है सुब्बा राव कहीं? नहीं। एंड द आंसर डॉक्टर मेहर शाह, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द क्वींस काउंसिल फॉर द कोर्ट ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स, ये भी आपको पढ़ाया ही गया। सर्वेयर बेटा नाम से ही मालूम चल रहा है ना, सर्वे जितने भी सर्वे होते हैं, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई स्कीम लेकर आती है तो वो पहले सर्वे करवाती है, तो हर तरह के सर्वे जो हैं वो एनएसओ का मतलब नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के अंडर में होता है, तो उन सबका डेटा को कंपाइल कैसे हुआ, मैनेजमेंट ये सब करता है सर्वेयर ऑफ इंडिया। आंसर इज हरीश शालवे, ऑप्शन नंबर 4। टू विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी जस्टिस अभय मनोहर सापरे वॉज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑन 14 जनवरी। अरविंद बोल रहे रोड सेफ्टी, एंड द आंसर इज रोड सेफ्टी कमेटी, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट, हु वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, न्यू वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो ये तो आप लोग बता देंगे, मेरे ख्याल से सिंपल है। अरविंद बोल रहे हैं अभय, नायक बोल रहे हैं सैनी, अधिकारी साहब बोल रहे हैं अभय, दीपवंतिका पाल बोल रही है 1, एंड द आंसर इज सतेंद्र कुमार सैनी, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। टू विच ऑर्गेनाइजेशन अर्जुन मुंडा वॉज अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट, तो ये भी आपको पता है, कोई टफ क्वेश्चन तो है नहीं। कल कौन से टॉपिक पर एमसीक्यूज तुम लोग चाहते हो बता दो मुझे अभी से, जिसका सबसे ज्यादा बच्चे बोलेंगे उसी की हम बात करेंगे। आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, कल के लिए टॉपिक दो मुझे। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज अपॉइंटेड पुनीत सूद एज द इंडिया हेड, सोनम बोल रही है बुक्स पे, एक आया है आदेश, अधिकारी साहब स्पोर्ट्स तो हो चुका है ना, बुक पर आ चुका है, बुक है, ठीक है, डेथ वाले मतलब ऑबिट्रीज, ठीक है, कल पहले बुक पे कर लेते हैं, ठीक है, बुक पे कर लेते हैं। रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, ऑप्शन नंबर 3। हाँ पवन, गवर्नमेंट स्कीम नेक्स्ट मतलब द डे आफ्टर टुमारो, ओके, हाँ फिर कमेटी कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, नेम द फॉर्मर प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ प्राइम मिनिस्टर हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी। वाइल्ड प्रिंस जी मिर्जापुर से आगे ही हम लोग जाते हैं, लालगंज टू अलिया टू रीवा, एंड द आंसर इज निपेंद्र मिश्रा, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर।
who was appointed as the MD and CEO of Bank of Baroda. And the answer is Sanjeev Chadha. Option number 5 is right answer. Ji Sanyal, ji, ji, ji. Which bank has appointed Atanu Kumar Das as its MD and CEO? And the answer is Bank of India. Option number 4 is right answer. Haan Prashant ji, Vindhyachal Mirzapur mein hi hai. Who was appointed as the MD and CEO of Canara Bank? कल छुट्टी नहीं है, कल books and author है. मैं बोल रहा था परसों हम government scheme पर question answer करेंगे. We have 5 option. अरे यार shit. And what is the answer? Lingam Venkat Prabhakar. Option number 2 is right answer. जी जी Wild Prince जी ठीक है. Next point नहीं है. Okay. Thank you so much guys. Kal milte hain morning mein 7 AM for current affairs, 9:30 for study awareness and 1:30 for the MCQs on books and author. Khyal rakhiye apna, milte hain aapse kal. Thank you so much guys. Khoob man laage padhiye. Thank you so much.